हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज के ब्लॉग में मैं अपना बैल्कनी गार्डन मेकओवर वीडियो लेके आई हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ टिल द एंड। यहाँ पे फर्स्ट मैं अपने बैल्कनी को क्लीन कर रही हूँ, झाड़ू कर रही हूँ। मेरे बैल्कनी में बहुत सारे सामान होते थे, जैसे सिलेंडर होते थे और कपड़े सुखाने के जो होते हैं वो होते थे, तो मैंने वो सब कुछ हटा दिया है। और यहाँ पे देखिए मेरा वॉशिंग मशीन का जो पाइपलाइन है उसे मैंने जॉइंट करके उसे यहाँ इसमें ऐड किया है, क्योंकि पानी जब भी आता था ड्रेनेज तो पूरा आधे बैल्कनी मेरे कवर हो जाते थे, तो इसीलिए मैंने ये सिस्टम किया था। और मैंने बैल्कनी में नेट भी लगाया है, क्योंकि पीजन आ जाते थे पॉटी करके, पूरा बैल्कनी को गंदा करते थे, इसीलिए नेट यूज़ किया है, जिस वजह से और पीजन नहीं आ पाते यहाँ पर। ये मेरा यूटिलिटी एरिया है जहाँ पे वॉशिंग मशीन और सफाई के सारे सामान रहते हैं। मेरा एक ही बैल्कनी है तो यूटिलिटी और बैल्कनी एक ही साथ है। और यहाँ पर मैंने आर्टिफिशियल ग्रास ऑर्डर किया था, मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। बहुत ही ईजी होता है, आप अपने बैल्कनी के मेजरमेंट के हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। बाहर लोकल स्टोर्स में भी मिलता है लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, मुझे ऑनलाइन थोड़ा कम प्राइस में मिला था। और बहुत ये मैंने ब्रांड का लिया है ये आर्टिफिशियल ग्रास, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का था, मैं आपको दिखा रही हूँ कितना। और यहाँ पे मैं एक कट लगा रही हूँ क्योंकि मेरा बैल्कनी में शायद कुछ पिलर आ गया था, तो थोड़ा से था वो स्पेस मुझे कवर करना था, तो मैं इसे ईजीली ये कट हो जा रहा है। और देखिए कितने अच्छे से सेट भी हो गया है। फिर जो मैंने वॉशिंग मशीन के ड्रेनेज में पाइप ज्वाइंट किया था इसे सेलो टेप से कवर कर दे रही हूँ जस्ट सेफ्टी के लिए, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मैंने ये लगा के 2 महीना देखा, फिर उसके बाद मैंने बैल्कनी गार्डन का सोचा। और यहाँ पे देखिए ये डबल टेप है, इसे मैं ग्रास में अटैच करके इसे अच्छे से फिक्स कर रही हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही भी ग्रास बहुत अच्छे से रह जाता है, जस्ट मैंने सेफ्टी के लिए कर दिया है। और ये कुछ बैल्कनी के वॉल को डेकोरेट करने के लिए मैंने स्टिकर्स ऑर्डर किया था। पहले मैंने सोचा था कि कलर करूँगी, लेकिन कलर थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता और मुझे थोड़ा कुछ अलग भी करना था, तो मैं ये स्टिकर लगा दिया। ये स्टिकर बहुत ऑनलाइन ही मिल जाता है, बहुत ही कम प्राइस में आपको हार्डली 200 के आसपास ही मिल जाएगा, तो ये थोड़ा लेकिन मेहनत होता है और बहुत ही केयरफुली लगाना होता है, नहीं तो थोड़ा से गड़बड़ पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो ये मैंने एक ट्री का लगाया, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा खाली लग रहा था, बाद में मैं इसे और भी कुछ ऐड करूँगी। और यहाँ पर देखिए ये एक वॉल में मैं स्टिकर चिपका रही हूँ, इसमें आपको कील लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डबल टेप के ही आप चिपका सकते हैं। मैंने कुछ क्या बोलते हैं लीफ का मैंने स्टिकर मंगवाया था, क्योंकि बैल्कनी गार्डियन मंगा रही हूँ तो मैं उसी थीम में ही मैंने ये मंगवाया था, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इधर पिलर था ना, तो इधर पानी भी नहीं आ रहा था बारिश के टाइम में, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे ये किया। और ये एक मैंने DIY कर रही हूँ, ये भी मेरा वेस्टेज था जो हम कपड़ा सुखाते हैं जिसमें वो था, तो मैं उसको निकाल के उसे जॉइंट करके मैंने ये एक जाली बनाया है। ये मैं अपने घर में ही DIY की हूँ, और उसे आर्टिफिशियल प्लांट के साथ मैं एक उसका प्रिपेयर करूंगी। ये आपको रेडीमेड भी ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन मैंने सोचा क्यों मैं खरीदूं, मैं अगर बना सकती हूं, तो मैंने इसे अपने हाथ से बनाया है। और यहां पे देखिए मैंने एक चेयर लिया है, लोहे का ही चेयर लिया था मैंने, क्योंकि बैल्कनी में रहेगा, पानी बारिश होएगा तो पानी आएगा, तो मैंने लोहे का ही चेयर प्रेफर किया। और उसमें मैंने थोड़ा ग्रास का टच दिया है, अगर कोई चेयर में बैठे भी तो सिर्फ ग्रास में बैठने का फीलिंग आए, तो ये सोच के मैंने उसमें ग्रास अटैच किया है। ये भी मैंने जो आपको पहले डबल टेप दिखाया था ना, उसी के थ्रू मैंने इसे अटैच किया है, और वो बहुत अच्छे से अटैच हो गया ग्रास चेयर के साथ। और यहाँ पे मैंने उसके हैंड को लेग्स को थोड़ा आर्टिफिशियल जो लीव होते हैं उसके साथ भी मैंने ये किया है, कि पूरी तरीके से मैं जो क्या बोलते हैं गार्डन थीम में ही इसे बना रही थी, और बहुत खूबसूरत लग रहा था ये चेयर, तो बारिश में भी इसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये यहाँ पे मेरे बच्चे थोड़ा बहुत, मेरा बैल्कनी गार्डन बन चुका है और मेरे बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, मेरी बड़ी बेटी पढ़ रही है और मेरी छोटी वाली खेल रही है, तो ये ओवरऑल लुक था। और यहाँ पे हम थोड़ा मुझे कुछ ऐड करना था, मुझे जो खाली लग रहा था, तो यहाँ पे मैं आर्टिफिशियल लीफ को जॉइंट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड का मदद लिया है, जो मैंने ये नेट लगाया था वो थोड़ा खाली लग रहा था, तो उसे मैंने ऐसे आर्टिफिशियल लीफ के साथ मैंने डेकोरेट किया। इसमें थैंक यू फॉर माई हस्बैंड, उन्होंने बहुत अच्छा हेल्प किया, क्योंकि वो बहुत ऊपर तक लगाना था तो मैं नहीं कर पा रही थी। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन के पाइपलाइन को आर्टिफिशियल लीव के साथ मैंने डेकोरेट कर रही हूँ, क्योंकि पहले जब मैंने सेल्फी फ़ोटोज़ लिए तो पीछे से मुझे पाइप दिख रहे थे, तो उसे कवर करने के लिए ये मैंने किया। और यहाँ पर मैंने एक आर्टिफिशियल लीव का गुच्छा बना के
पाइप में मैंने ऐड कर लिया है। देखिए पाइप भी आप खोल सकते हैं इजीली और सुंदर भी दिखता है, और पीछे आप अगर फोटो शूट करते हैं तो आपको पीछे पाइप्स और नहीं दिखेंगे, तो इसीलिए मैंने ये किया है। तो ये ओवरऑल लुक है मेरे बैल्कनी का, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। तो मैं पूरा ओवरऑल लुक दे रही हूँ। यहाँ पे मैं हर वॉल में स्टिकर्स लगाई हूँ जो बहुत ही रीजनेबल होता है। जो ट्री का मैंने लगाया था उसके नीचे मैंने एक पीकॉक का भी स्टिकर लगाया कि जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था क्योंकि वो प्लेस खाली लग रहा था। यहाँ पे देखिए जो मैंने लीव लगवाया था मेरे हस्बैंड ने लगाए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स ही रखे हैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इनफ स्पेस नहीं है रियल प्लांट रखने के लिए, तो जैसे मैंने आर्टिफिशियल प्लांट से रखे हैं। आप चाहें तो आप ओरिजिनल प्लांट भी रख सकते हैं, जबकि मैं प्रीफर करूँगी ओरिजिनल प्लांट ही रखना, बहुत अच्छा होता है। लेकिन मेरे पास इनफ स्पेस नहीं था, और अगर मैं फिर गाँव जाती हूँ तो कोई पानी देने वाला नहीं होता है, पहले मैं रखा था, तो इसीलिए मैं आर्टिफिशियल प्लांट ही मैंने ये चूज़ किया है। तो देखिए ऐसे मैंने अपने पूरे बालकनी को डेकोरेट किया है, और ये मेरा यूटिलिटी एरिया है। देखिए ये स्पेस के वजह से मैंने अपना बालकनी बनाया क्योंकि वो एक स्पेस मुझे मिल गया अपने जो भी स्टोरेज के लिए करने के लिए, और ये मेरा पूरा ओवरऑल बालकनी खूबसूरत बन गया। तो ये पूरा ओवरऑल लुक है, और मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। जो ये मैंने DIY बनाया था ना ये एक, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है यहाँ से। फिर यहाँ पर मैंने गार्डन इज फील्ड विद लव मैंने एक लगवा दिया है, उसमें छोटे छोटे पैरोट्स रख दिए हैं, और यहाँ पे बटरफ्लाई रख दिया है। पूरे एक गार्डन थीम में ही मैंने बनाया है, और मेरे बच्चों को इतना पसंद आ रहा था ना ये। और ये देखिए कुछ मेरे बच्चों के कुशंस थे तो वो मैंने अटैच कर लिया। आप यहाँ पे टी सेटअप भी कर सकते हैं, चेयर्स और छोटा सा सेंटर टेबल लगा के आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं किया क्योंकि मैंने बच्चों के खेलने के लिए और मेरे फ़ोटोशूट के लिए मैंने ये बैल्कनी बनाया है। तो मैंने सिर्फ एक ही चेयर रखे थे जो कि कभी कोई थोड़े जो नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए मैंने एक ही चेयर रखा कि वो बैठें, और मेरा सुबह सुबह का टाइम मैं वहाँ पर बैठूँ, नहीं तो ऑलमोस्ट हम नीचे ही बैठते हैं क्योंकि ग्रास डाले हैं, तो ग्रास में बैठने में जो मज़ा आता है उसका कोई जवाब भी नहीं है। और मैंने लेकिन पूरे वो स्पेस खाली रखे कि मेरे बच्चे खेल सकें, और मैं आगे भी आपको शेयर करूँगी कि बच्चे कितने अच्छे से खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये भी मेरा एक DIY है, उसे भी मैंने ये टांग दिया है। और यहाँ पे थोड़ा से मुझे डोर भी खाली दिख रहा था, मैं आगे आपको दिखाऊंगी मैंने क्या किया है। और यहाँ पे मेरे बच्चों के खेलने के लिए डार्ट बोर्ड और बास्केटबॉल भी मैंने जस्ट दरवाजे के पीछे लगाया है, आप दरवाज़ा बन करके मज़े इजीली खेल सकते हैं, और सच में बहुत ही अच्छा है ये। और यहाँ पे देखिए मेरा एक ही बैल्कनी है तो मैंने कपड़े सुखाने के लिए भी यहाँ पे वायर लगा दिया है जो कि बहुत अच्छा होता है, और कपड़े सूखने के बाद भी आप बैल्कनी को एंजॉय कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे मैं दिखाऊंगी। तो बैगी पहले फिर से आपको मैं अपना ओवरऑल लुक दिखा दे रही हूँ बैल्कनी का। तो बहुत अब आप हर कोई अपने बैल्कनी को अपने हिसाब से डेकोर कर सकता है, सबका अपना अपना आइडिया होता है, अपना अपना पसंद होता है। तो मैंने अपने हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से मैंने किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सच में, मैंने भी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा। और ये देखिए ये पीकॉक का जो पोस्टर है वो ज़बरदस्त लग रहा था, पूरा चांद चांद लगा रहा था बालकनी को, और फ़ोटोशूट भी इतना अच्छा आता है ना इस बालकनी में मेरे, तो मेरा मेहनत सफल हो गया क्योंकि मुझे फ़ोटोशूट करना बहुत पसंद है, तो मेरे बालकनी में फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं, मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। और तो ये ओवरऑल लुक है मेरे बालकनी। जब से मैंने बालकनी गार्डन बनाया मैं सबको बोलती हूँ कि सब बनाइए, कोई बोलते हैं कि छोटा बालकनी है, लेकिन छोटा बालकनी है तो कम खर्च में हो जाएगा, लेकिन आप ज़रूर बनाइए। सिर्फ आप एक ग्रास ही डाल देंगे ना तो आपके बालकनी का लुक ही चेंज हो जाएगा, और बच्चों का खुशी जो होता है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे कितने इन्जॉय कर रहे हैं बालकनी गार्डन के साथ, खेल रहे हैं बास्केटबॉल और डार्ट बोर्ड सब कुछ खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे जब बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ये छोटा छोटा चीज़ इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगता है, अगर खुशी मिलती है छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से तो क्यों ना करें हम। तो और ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है, मेन खर्च आपको ग्रास पे ही होता है, ग्रास आपके बालकनी जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपको प्राइस पड़ेगा, जितना मैं तो बोलूँगी जितना छोटा होगा उतना अच्छा है क्योंकि उतना कम खर्च में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ भी रखे हैं जो वो रेगुलर बेस में खेलते हैं, तो वो टॉयज़ के साथ उन लोग खेल रहे हैं, और बच्चे जितना खुश हो जाते हैं ना तो बच्चों की खुशी के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल लुक था मेरे बालकनी का, और मेरे बच्चों कैसे इन्जॉय करते हैं अपने मेरे बालकनी में वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को भी इन्जॉय कर रहे होंगे। जो बालकनी में मैंने स्टिकर्स भी लगाए हैं वो भी ज़्यादा प्राइस नहीं पड़ता है, ऑनलाइन आपको 150 से 200 के अंदर आ जाता है।
और यहाँ पे मैंने एक फोटोशूट का वीडियो छोटा सा मैंने किया था, वो कर दिया है। ये देखिए मैंने कपड़े सूखने के बाद भी मैंने ये वीडियो एक डाला है, क्योंकि देखिए मेरे कपड़े सूख रहे हैं और बच्चे फिर भी इजीली आप खेल सकते हैं। क्या लगाए हो? अरे बाप रे, ब्लैक मेरे साथ ब्लैक हम बनाए। ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे देखिए कपड़े भी सूख रहे हैं और बच्चे खेल भी सकते हैं। खड़े होके दिखाओ कपड़ा लगता है तुम लोग के सर में, थोड़ा बहुत बड़ा खड़े होके भी खेल सकते हो ना। और यहाँ पर बैठ भी सकते हैं, क्योंकि इधर इतना दूर तक कपड़े रहते भी नहीं है, तो इजीली हाँ बैठ सकते हैं। तो हो गया ना, दो यूजेस, कपड़े भी सूख गए और बालकनी खेलने के लिए भी हो गया। और यहाँ पे मैं अपने बालकनी गार्डन का नाइट लुक का तैयारी कर रही हूँ, फेरी लाइट्स लगा रही हूँ। मैं अपने बालकनी गार्डन का नाइट लुक भी आपको दिखाऊंगी, वो भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। देखिए ये है मेरा ओवरऑल नाइट लुक, जहाँ पे मैंने फेरी लाइट से इसे डेकोरेट किया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे देखिए ये बटरफ्लाई वाले मैंने फेरी लाइट लगाए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे देखिए मेरा जो डोर था पहले वो खाली था, तो मैंने इसे स्टिकर से ही, बटरफ्लाई के स्टिकर से लगाया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने बालकनी को पूरी तरीके से डेकोरेट कर दिया है। तो ये मेरा ओवरऑल लुक था मेरे बालकनी गार्डन का, डे और नाइट लुक। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।